मारूफ टीवी मेजबान इकरारुल हसन पर गुजरांवाला में मुबैना तौर पर हक खतीब के मुरीदों ने हमला कर दिया। हमला आवरों में खवातीन भी शामिल थीं, जिन्होंने डंडों और पत्थरों से इकरारुल हसन की गाड़ी पर हमला किया। ये हमला यूनिवर्सिटी के गेट पर किया गया, जहां इकरारुल हसन को एक तकरीब में शिरकत के लिए मधु किया गया था। टीवी मेजबान की गाड़ी पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में इकरारुल हसन और इनके टीम के अफराद को मामूली जख्म भी आए हैं। ताहम हमला आवरों ने इनकी गाड़ी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। हमले के बाद इकरारुल हसन का कहना था कि हमारा मकसद अपने कैमरों और जुबान के जरिए लोगों को आगाही देना है, ना कि तशद्दुद में मुलव्विस होना। हमने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करना और ना ही लड़ाई झगड़ा करना हमारा मकसद है। मैंने बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया है, इसलिए उसके मरीदों ने मेरे साथ ये सलूक किया है। फेमस टीवी होस्ट इकरारुल हसन वाज एलिजिबली अटैक्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ हक खतीब इन गुजरांवाला। वुमन वर आल्सो अमंग द अटैकर्स हु अटैक्ड इकरारुल हसन्स कार विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। द अटैक वाज कैरिड आउट एट द गेट ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर इकरारुल हसन हैड बीन इनवाइटेड टू अटेंड अ फंक्शन। द वीडियो ऑफ द अटैक ऑन द टीवी होस्ट्स कार इज गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया। According to media reports, Iqrarul Hasan and his team suffered minor injuries in the attack, but the attackers badly damaged their vehicle. After the attack, Iqrarul Hasan said, "Our aim is to inform people through our cameras and language, not to engage in violence. We do not aim to show off our power or fight."